औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन कसूर पिजन चौक, आज उस्ताद मज़र नियादी के शागिर्द नुमाइश भट्टी के कबूतरों का शौक भी आपको, उस्ताद नुमाइश भट्टी साहब उनके कबूतरों का आपको शौक भी करवाएंगे और साथ में इनसे थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे कि इन्होंने कैसे कबूतर लगाए और कौन से कबूतरों ने इनको अच्छा रिजल्ट दिया। बच्चा पिछले साल भी सत बाजी उड़िया, हुण भी सत बाजी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जी कबूतर कमगरों में से है, इसकी आइज देख लें, साइज देखें आइज का और पलक देखें, चूंच देखें, माशाल्लाह कैसी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। आगे इस दफा भी इनका बच्चा जो है बाजियों में आया और पिछले साल भी आया, दो तीन साल से इसका जो है ना पट्टी पट्टा जो है ना बाजियों में आ रहा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह अच्छा ब्रांड लाइन है। साथ ही पर्दा जरा शौक करवाना, पर कटे हुए हैं आइस का ही करा दें, पर कटे हुए हैं सब जोड़े, बस पर कटे हुए। चलो ठीक, ये लाल परी जी साथ में आपको दिखा। अच्छा जी, ये लाल परी है जी। माशाल्लाह जी, कबूतर की आइज देखें और साइज कैसा, चमक देखें कबूतर की आंख। इनके बारे में बताएं, इनका कैसा रिजल्ट है आपके पास? ये माशाल्लाह बहुत उड़ रहे हैं लाल परी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये उस्ताद ने मुझे लाड़ला कबूतर दिया नाम पैदा करने के लिए, इंशाल्लाह ताला नाम जैसे आप लाड़ लें जैसे एक कबूतर लाड़ला। मैं भी लाड़ला शागिर्द हूं, मेरा उस्ताद भी लाड़ला, मेरे कबूतर भी लाड़ले। अल्लाह ताला ऐसे रखे जी। ये देखें जी, मतलब लाल परी जहाँ भी आते हैं बहुत अच्छे लाल परियों ने काम किया। और सर हमारे पास भी चार बच्चे इस दफा लाल परी उड़े हैं, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा था, लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा थी, वायरस था। जी जी शाम भाई, आपको तो पता है। जी मुझे पता है, जितने भी कसूर के शौक करने वाले हजरात थे उनके सबके कबूतरों को और बच्चों को जो है काफी बीमारी का शिकार थे, और हाँ लेकिन फिर भी जो कारगर्दगी थी, मैंने आपको हर वक्त हर छत से शौक करवाया, इंशाल्लाह ऐसे ही आपको शौक करवाता रहूंगा। अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट कबूतर का आप शौक करें। ये देखिए जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी जबरदस्त साहब, कमाल है जी। ये देखें जी इसका पल्ला, ये पर देखें, और ये मेरा फेवरेट पर है, ये कबूतर में जो पर आता है ना, ये मेरा फेवरेट पर। ये मेरा कबूतर बहुत पुराना है, ये सबसे ज्यादा इसकी परवाह है, माशाल्लाह। इसको रात वाला कहते हैं, शाम को बैठता है, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जेठ में शाम को बैठता है, माशाल्लाह। ये देखिए जी, हाँ जी, इसके बच्चे भी स्टैंप लगाते हैं। पर साहब हुण तुसीं अपने जिहड़े तुहाडे कबूतरां ने इत्थे परफॉर्मेंस कीती है, हां जी, कबूतरां दा शौक करवाओ। आ सत्ते बाजियां उड़ के घर आया जी, एक मिनट जरा कबूतर दा, माशाल्लाह जी, ए भी पहले कबूतरां तरह, इहदा भी देखो शौक करो, इहदा स्क्रीनशॉट ले लो, जिस कबूतर ने चैंपियन कबूतर वेखने, दोस्तों ने कबूतर वेखने चैंपियन। आज चैंपियन छत पर आए हैं जी, साहब मदन याजी साहब की जरे निगरानी में, दिखाओ जी साहब जी, ये भी उस्ताद के घर का कबूतर है, जीरा, हाँ जीरा, इसकी भी बहुत अच्छी परवाजें रही हैं, ये भी बाजी में उड़ा। अच्छा, इस कबूतर की नुमाइश भाई की है, ये भी बाजी में उड़ा, अच्छी परवाजें दी, ये भी एक बजे के बाद बैठा, एक बजे के बाद, माशाल्लाह जी, ये भी उस्ताद के घर का, ये साधना ब्रीड में से है। अच्छा अच्छा, साधना ब्रीड में से जीरा निकलता है, ठीक है ठीक है, उस्ताद के घर का। इस कबूतर की भी सत्ते बाजियां उड़ के, इनकी परवाज पौने दो दी, ये भी कबूतर सत्ते बाजियां उड़ के आया, पौने दो बजे बैठा ही है, उस्ताद के हाथ में है। ये देखें जी, माशाल्लाह जबरदस्त चैंपियन जी, उस्ताद जी तुसी मुझे गिफ्ट देता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज है। देखें जी, इसके नूर के साथ एक रिंग आपको नजर आ रहा होगा,
और उस रिंग का ही कमाल है इस कबूतर को जो है इतनी परवाज देना और इतनी गहराई में इसको लेके जाना और परवाज देना। जितने भी मेरे दोस्त भाई साजी इस रिंग के मुतालिक तुसी की कहना चाहोगे? क्यों जी साजी? जी बेटे जेड़ा नूर दे नाल रिंग हुंदा है असल चीज वो ये रिंग ही होता है जिसका रिंग नहीं है जी कबूतर भी नहीं है। कई कबूतरां दे रिंग सफेद हुंदे ने कईयां दे मुख्तलिफ हां जी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं लेकिन वो कबूतर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं जी। रिंग का जो परवाज में और परवाज में भी और कबूतर जमीन मजबूत होती है जी जी बिल्कुल। और मेन चीज एक देखे चैंपियन कबूतर है माशाल्लाह और इसका जो जिसे हम पंजाबी में डेला कहते हैं डेला ये देखें कितना बारीक है माशाल्लाह। ये जितना बारीक निशान भी होगा उतनी गहराई ज्यादा पकड़ेगा कबूतर और जितना ये बड़ा थोड़ा सा होगा ये थोड़ा नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। बारीक कमाल है ये देखें जी चैंपियन कबूतर है जी माशाल्लाह। दोस्तों देखें पर देखें और लास्ट वाले पर देखें कैसे बेहतर हुई कितने अच्छे और बगल देखें कितने ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त। इस कबूतर की परवाज 2 बजे की ये देखें मोरे लगी हैं स्टैंपें लगी हैं जी देखो जी दोस्तों ये देखें स्टैंपें लगी हैं स्टैंपें लगी हैं इसको 87 बंदे गए माशाल्लाह यही कबूतर है जी। कबूतर का लास्ट पार देखें और 9वां 10वां 8वां 9वां 10वां पार देखें कैसा और बगल देखें बगल का चढ़ाव देखें कि किस तरह ठीक बने कबूतर बड़े मजबूत माशाल्लाह जी माशाल्लाह अच्छी परवाज ये देखें जी इसको भी स्टैंप पे लगी है जी चैंपियन है जी देखें जी माशाल्लाह कबूतर 1-2 बजे तक ये भी कबूतर बैठा है परी नहीं उड़ गया इसकी भी अच्छी कारगर्दगी है इन लगी है स्टैंप इन नहीं ये और लगी माशाल्लाह जी छड़ी हो जबरदस्त स्टैंप आया इस कबूतर की कारगर्दगी रही ये भी माशाल्लाह 1 बजे के बाद ही बैठा देखो जी माशाल्लाह दोस्तों कबूतर दे जर्रे और जमीन देखो सफेद जमीन दे नाल जर्रे ने नूर दे नाल अपने पानी दे मेनू कोई समझ लगी एक दिन घट जांदा रहा दूजे दिन आपे दूजे नूं घट जांदा रहा जी वारी वारी टाइम आपे दित्ती गया आपां जिहड़ा इस्ता पानी दिंदे ने उहदे नाल इक दूरे नूं आपे कट्टी आए टाइम ऐ वी मोर चुड्डी ऐ माजी 2 बजे बस 2-3 और लाओ बस ठीक है। ये देखें जी दोस्तों ये लाल कबूतर कसूरी कबूतरों की निशानी है अभी मेरे को 4 साल उड़ा कसूरी कबूतर चौथा साल हो गया इस कबूतर नु माशाल्लाह चलो आ जाओ चलो कबूतर मूवी बना दे चौथा साल हो गया ये जी नुमाइश भाई के जो कबूतर मेन उनका आपको शौक करवा रहे हैं आज नुमाइश भाई के जो कबूतर इधर उड़े थे और चार घरों से बाजियां थी 3 घरों से 0-4 और क्लीन स्वीप किया है इन्होंने और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है इन कबूतरों ने। ये देखें ये कबूतर हैं और जो भाई मेरे नए हैं वो इन कबूतरों का साइज देख लें कैसा है और बंतर देखें इनकी देखो जी माशाल्लाह दोस्तों है बड़ी गर्मी जुटे है खिलौनी देखो माशाल्लाह कैसी और बॉडी स्ट्रक्चर देखो कैसा देखो ये चीना कबूतर माशाल्लाह कैसा बहुत अच्छा और आउट क्लास मेरा फेवरेट कबूतर है ये चीना कबूतर एक ये वाला है और एक ये वाला है दोनों ही बहुत अच्छे कलर के कबूतर हैं और वैसे भी आपके भाई को चीने कबूतरों का बहुत शौक है और इसका बंतर देखो रंग लगा सारे चैंपियन बाहर काट दे तीन बड़े तगड़े हैं
माशाल्लाह जी माशाल्लाह और बहुत ज्यादा टेम्परेचर से इन्हां कबूतरां ने कारकर्दगी दिखाई है। देखो जी मेरे फेवरेट कबूतर का शौक करो मादी देखो नाल कैसी देख बैठी बहुत ही आउट क्लास और परवाजी मादी और भी था बड़े भाई शान भाई आज जरा साल 1 मिनट आज जी सारे मोहतरम जो कसूर में माशाल्लाह इस दफा 2021 में बेबी पिजन उड़े हैं जी उसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे। माशाल्लाह जी एक तो बहुत अच्छा शौक हुआ उस्ताद अज़र नियाज़ी भाई के जितने भी उस्ताद कसूर के थे माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हर एक के बच्चे थे बेबी पिजन थे और वायरस का भी बहुत ज्यादा शिकार रहे हैं जी। और मैं कहता हूँ कसूर के कबूतर बहुत फंटास्टिक और कमाल कबूतर है कमाल जितने भी प्लेयर और कसूर के बाजियां उड़ाई हैं और वैसे भी कसूर के कबूतर की तो क्या ही बात है। मैं कसूर के कबूतर की तारीफ ना करूं तो वो मैं एक कसूर का कबूतर क्या बात है और जितने उस्ताद हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और बेहद उन्होंने अच्छा मुकाबला किया और कसूर के कबूतरों की क्या बात है जी। नुमाइश भाई आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने दोस्तों को अपने जो नए दोस्त हमारे देखने वाले सुनने वाले जो मेरे नए दोस्त हैं या पुराने दोस्त हैं अपने उस्ताद की इज्जत करें अपने उस्ताद से सीखें अच्छा शौक करें और हारने वाले को भी दाद दें ताकि वो अगली दफा ज्यादा मेहनत करे ज्यादा खेलने का मजा आए। हरीफ की इज्जत करें जब हरीफ होगा तो आप जीतेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होगा तो आप जीतेंगे लफ्ज़ बना हुआ है हरीफ बिल्कुल बिल्कुल सब भाई हैं हमारे। हाँ जी लेकिन ये तो शौक करने वाले ना सारे अगर ये हमारे साथ नहीं होंगे तो शौक हम किसके साथ करेंगे। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा कसूर का शौक।